नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में चुनावी रण पूरी तरह सजकर तैयार है। कल शाम भाजपा ने 66 सीटों पर जो है प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जो है झारखंड के जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिले की अगर बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम के प्रत्याशी तय हो गए हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं हमारे पीछे, जो लोग हैं, इन लोग जो है चुनावी चर्चा में मशगूल है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं कि इस बार झारखंड में चुनावी मुद्दे क्या होंगे। इस बार चुनाव जो झारखंड में चुनाव मुद्दे होगा, सबसे बड़ा विकास होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ ही अलग हुए थे, लेकिन यहाँ पर आज 24 साल के बाद भी विकास आधा अधूरा है। हमारे यहाँ फ्लाईओवर नहीं है, चौड़ी सड़कें नहीं है, बिजली पानी का आज भी अभाव है यहाँ पे। और देखिए, छत्तीसगढ़ हमारे से साथ ही अलग हुआ, लेकिन कितना आगे बढ़ चुका है। तो ये सब चुनाव मुद्दे सबसे बड़े हैं। दूसरा बात है कि यहाँ पर जो पार्टियां है, खाली परिवारवाद किए जा रही है। एक दूसरे के परिवार को, परिवार के बेटा को, बहू को टिकट दिए जा रही है। कोई भी पार्टी को इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि उसके कार्यकर्ता 20 साल 25 साल से उनके साथ है, उनके सारे सुख दुख में है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की अगर बात करें तो है प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, ऐसे में क्या मुद्दे होने चाहिए? हेमंत सरकार का कुशासन और बेरोजगारी, और दूसरी बात है परिवार। बीजेपी बोलती है परिवार नहीं चलाते हैं, और ये खुल के परिवारवाद चल रहा है झारखंड में। खुल के परिवार चल रहा है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, पर परिवार के टिकट मिलने से हो रहा है। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कि पश्चिम विधानसभा? पूर्वी विधानसभा, पूर्वी। पूर्वी में दो कैंडिडेट अभी हैं, भाजपा से देखा जाए तो पूर्णिमा दास साहू है और कांग्रेस से अजय मार हैं, तो ऐसे में किनको वोट जाएगा? अभी अभी तो कोई वो नहीं है, हम लोग न्यूट्रल हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ते हैं। भैया भैया, इस बार चुनावी मुद्दे जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के क्या होंगे? दोनों हार जाएगा भाजपा सीट, ऐसा ऐसा कैंडिडेट रहेगा तो हार नहीं है। साव जीव माल लेके कैंडिडेट दिए हैं तो हारना है ही है। तो आप बताइए चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, प्रत्याशी अच्छा रहे जिससे जनता भी खुश रहे, तभी जनता वोट दे। प्रत्याशी चाहिए जनता को, आप प्रत्याशी चाहिए। पूर्वी और पश्चिम की अगर बात करें तो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, और चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो वो मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, जो अभी स्थिति हो गई है इससे हम सब लोग असंतुष्ट हैं। हम लोगों को भाजपा पे बहुत उम्मीद था कि भाजपा बहुत क्लियर पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, मगर जो बंटवारा हुआ है झारखंड में, सीट बंटवारा। ऐसे में इस बार पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो क्या भाजपा के मुकाबले जो है कांग्रेस भारी होगा? देखिए, रही बात, हम चूंकि पश्चिमी में रहते हैं, हमारे पश्चिमी के आज मंत्री हैं बन्ना जी, नो डाउट कि बन्ना जी काफी काम किए हैं और कर रहे हैं। अब देखिए, वहां से हमारे सरजू राय जी आए हैं, देखिए क्या होता है। देखिए, हमने कुछ लोगों से बात की, इनका कहना है कि झारखंड में जो है चुनाव के कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की बात करें तो चुनावी रण में जो है इस बार जो है परिवारवाद जो है वो साफ झलक रहा है, जिस कारण से भाजपा को नुकसान होगा और कांग्रेस या यू कहे कि झामुमो की स्थिति जो है, इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत होगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in